नमस्ते लिनक्स के भाइयों बहनों, आज मैं गगन आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप fdisk कमांड यूज़ करके पार्टीशंस कैसे डिलीट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम टर्मिनल्स ओपन करते हैं। ठीक है, टर्मिनल्स ओपन किया। अभी इसके लिए हम लोग fdisk कमांड यूज़ करने वाले हैं। तो fdisk कमांड हमेशा sudo से यूज़ होता है, इसके लिए पहला fdisk यूज़ कर रहे हैं। और ये कमांड हम लोग यूज़ कर रहे हैं sudo fdisk-l। इससे क्या हमें चेक करना है कि हमारे पास कितने सारे जो पार्टीशंस अवेलेबल है हमारे डिस्क पे। तो ये जैसे मैंने कमांड फायर किया, मैंने स्नैप भी यूज़ करो, इसके लिए इतने सारे लूप आपको मिल रहा है। अगर आप स्नैप नहीं यूज़ करो तो आपको ये शो नहीं शो होगा। और ये है जो कि मेरा मेन पार्टीशन है डिस्क /dev/sdm। अब इसमें से मुझे क्या करना है कि /dev/sda9 जो है पार्टीशन नंबर 9, इसे मुझे डिलीट करना है। इसे मैं कैसे डिलीट करूँगा fdisk के हिसाब से, इसके थ्रू, तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। अभी बताता हूँ कैसे क्या आपको करना है। इसके लिए क्या करो, अभी आपको पार्टीशन नेम तो मालूम पड़ गया क्या है इसका पार्टीशन नेम के लिए, मेन sda। तो इसके लिए अभी क्या करो, sudo fdisk, इसके बाद आपको क्या करना है /dev/sda, इतना कर दो। ये fdisk का यूटिलिटी स्टार्ट हो चुका है। अब यूटिलिटी में आपको डिलीट करना है ना, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल डी टाइप करो, डिलीट हो जाएगा। बट इससे पहले एक बार मेक श्योर कर लो कि आपने बराबर डायरेक्ट जो पार्टीशन सिलेक्ट किया कि नहीं। इसके लिए आप क्या टाइप करोगे, पी कमांड टाइप करो ना, जैसे वो शो कर दिया आपने जो करेक्ट यूज़ किया, आपने पार्टीशन सिलेक्ट हुआ है कि नहीं। तो पी से जैसे बता रहा सिलेक्ट हुआ है, करेक्ट पार्टीशन जो है मुझे सिलेक्ट करना था, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसमें से sda9 डिलीट करना था। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ डी कमांड को टाइप करूँगा। अब ये पूछा पार्टीशन नंबर, तो ये जो साइड में जो है ना, इसके बाद में sda9-8, ये पार्टीशन नंबर है। इसमें से मुझे लास्ट वाला यूज़ करना है जो 1 GB वाला। इसके लिए मैं सिर्फ सिंपली 9 प्रेस करता हूँ और इसके बाद एंटर कर दिया। अब ये तो डिलीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट क्लोज करूँगा तो होता नहीं है डिलीट, सिर्फ यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसके लिए एक बार कंफर्म कर लो कि डिलीट हो रहा है, जो चेंजेस एक्ट हुआ कि नहीं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक कमांड यूज़ कर सकते हो। इसके लिए पी वापस से यूज़ करो। अब पी में देख लो चेंजेस, अब sda8 है, 9 तो नहीं है। अभी आपको मालूम पड़ेगा डिलीट हो रहा है। अब इसके लिए इसको सेव करने के लिए ना आप क्या कर सकते हो, w का कमांड है ये यूज़ कर लो। w हमने यूज़ कर लिया। अब ये देखो, तो पार्टीशन दिस हैज़ बीन अल्टर्ड। अब यहाँ से जैसे चेक करो, ऑलरेडी चेंज हो चुका हुआ है, पार्टीशन डिलीट हो चुका है। अगर आपको वापस से चेक करना है तो आप क्या करो, sudo fdisk-l कर दो। अब यहाँ पे चेक करो पार्टीशंस, देखो ए के पार्टीशन 8, 9 तो है नहीं, क्योंकि हमने पार्टीशंस को ऐसे डिलीट कर दिया fdisk की तरफ से। अगर आपको इसका जो कमांड का जो लिंक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये पोस्ट के आर्टिकल्स में सारे कमांड्स हैं, तो आप यहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए वीडियो के लिए इतना ही।